Dear students, earlier in the previous classes, we were talking about conditions which were localized in nature. और localized nature होने से मुराद ये है कि वो उनकी surrounding जो थी वो larynx के इर्द गिर्द चीजें थी, जैसे कि हमने nodules का, polyps का, diplomas के बारे में जिक्र किया, cysts के बारे में जिक्र किया था, और उसके नतीजे में होने वाले voice changes और उनके जो परसेप्शन है वो इसकी उसके बारे में डिस्कस किया. हमने होर्सनेस का जिक्र किया, हार्शनेस का जिक्र किया, पिच फ्लक्चुएशंस का जिक्र किया. सो बिल्कुल इसी तरीके से आज हम एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स बदल जाएं, क्रेनियोफेशियल एनोमलीज हो जाएं, या क्रेनियम जिसमें कि आपका हेड शामिल है और आपका फेस शामिल है, क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर जो हैं अगर उनके अंदर तब्दीली हो जाए तो फिर हमारी आवाज के साथ क्या फर्क पड़ता. बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, लेट मी रिमाइंड यू कि हमने तीन किस्म के रेजोनेटर्स का जिक्र किया था, ओरल रेजोनेटर्स, नेजल रेजोनेटर्स और फेरिंजियल रेजोनेटर्स. अभी क्रेनियोफेशियल एनोमलीज के अंदर जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक जो है वो ओरल कैविटी के साथ होगा. सो ओरल कैविटी के अंदर जब चेंजेस आ जाती हैं, जब उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां वाकई होती हैं जो कि ऑर्डिनरी से डिफरेंट होती हैं, तो उसके नतीजे में जो रेजोनेंस है, जो खास तौर पे ओरल रेजोनेंस है, वो मुतासर हो जाती है. वैसे तो आपको पता है कि ओरल रेजोनेटर्स अलहदा हैं नेजल रेजोनेटर्स से, लेकिन बाज़ औक़ात एक क्लेफ्ट की सूरत में, एक ओपनिंग की सूरत में, एक फिस्चूला की सूरत में ये दोनों कैविटीज मिल जाती हैं और एक बड़ी कैविटी बन जाती है जो कि ओरल और नेजल कैविटी को मिला के बनती है. तो वो जो बड़ी कैविटी होती है उसके अंदर नेजल रेजोनेंस, उसके अंदर जो ओरल रेजोनेंस या नेजैलिटी की जो परसेप्शन है वो भी बढ़ जाती है. तो हम आज इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओरल रेजोनेंस या नेजल रेजोनेंस किस किस तरीके से मुतासर होगी. इन दोनों को हम कहते हैं रेजोनेटिंग इश्यूज या रेजोनेशन डिसऑर्डर्स कहते हैं या रेजोनेंस डिसऑर्डर्स कहते हैं. इसके अंदर बेसिकली जो नेजल रेजोनेंस है उसकी जो परसेप्शन है वो बदल जाती है, वो हमें ज्यादा रेजोनेट होती हुई महसूस होती है या कम रेजोनेट होती हुई महसूस होती है. तो कम को हम क्या कहेंगे और ज्यादा को क्या कहेंगे. सो अगर हाइपर नेजैलिटी, अगर नेजैलिटी का परसेप्शन बढ़ जाए तो उस परसेप्शन को हाइपर नेजैलिटी कहते हैं. हाइपर नेजैलिटी के बरक्स दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइपो नेजैलिटी का. हाइपो नेजैलिटी के अंदर रेजोनेशन जो है या रेजोनेंस जो है वो कम महसूस होती है. दोनों सूरतों में एक डिफरेंस आता है, दोनों सूरतों में एक फ्लक्चुएशन आती है इन परसेप्शन, और जिसकी वजह से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी की आवाज़ दूसरे की आवाज़ से मुख्तलिफ है. जब हम हाइपर नेजैलिटी की बात करते हैं जिसमें कि रेजोनेशन बढ़ जाती है, उसमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट. सो पैलेट एज यू ऑल नो इज द रूफ ऑफ द माउथ, और इसका प्राइमरी एजेंडा यही था कि ये ओरल रेजोनेटिंग कैविटी और नेजल कैविटी को बीच में पार्टीशनिंग करती थी. एक बॉर्डर लाइन था बिटवीन दीज टू कैविटीज, ओरल और नेजल, जिसकी वजह से ओरल रेजोनेशन अलहदा महसूस होती थी, नेजल रेजोनेशन अलहदा महसूस होती थी. लेकिन क्लेफ्ट जिसका मतलब है ओपनिंग, एक ओपनिंग हो जाती है, चाहे वो लंबाई के रूप हो, चाहे वो सुराख की सूरत में हो, यानी कि ओरल और नेजल रेजोनेटर्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं, तो नतीजे में जो साउंड का बिहेवियर है, जो वॉइस का बिहेवियर है, वो मुख्तलिफ हो जाता है और हमारी परसेप्शन मुख्तलिफ हो जाती है और हमें ज्यादा रेजोनेट होती हुई आवाज महसूस होती है. सो हम इन तमाम चीजों का आज जिक्र करने जा रहे हैं. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले जानना जरूरी है बिफोर वी कैन टॉक अबाउट रेजोनेशन. जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है तो डेवलपमेंट आपको पहले भी बता चुके हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. सो इट टेक्स टाइम. सो इसके अंदर होता यह है कि हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं
उसमें लिप और एलवीएलर रिज जो है तकरीबन सिक्स वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान बनना शुरू हो जाती है, लिप्स एंड एलवीओलर रिज। एलवीओलर रिज से मुराद क्या है, वो सॉकेट्स हैं जहां पर बाद में टीथ से निकलना है, वो और लिप्स सिक्स वीक्स में डेवलप होना शुरू हो गए। डेवलपमेंट एंड फ्यूजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इज कम्प्लीटेड बाय 12 वीक्स गेस्टेशन। उसके बाद आप चूंकि वाकफियत रखते हैं बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, सो हार्ड पैलेट पीछे की तरफ ग्रो करता है और सॉफ्ट पैलेट इसी तरीके से ग्रो करता है, और नतीजा ये निकलता है कि दोनों मिड लाइन पे आकर फ्यूज हो जाते हैं, और ये फ्यूजन तकरीबन 12 हफ्ते की गेस्टेशन पीरियड के दौरान हो जाता है। सो ये फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी था, यानी कि सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट का आपस में फ्यूज होना, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना। अब हार्ड पैलेट को हार्ड किस लिए कहा जाता था, बिकॉज देयर वॉज सम बोनी एलिमेंट इन इट, जबकि सॉफ्ट पैलेट को सॉफ्ट इसलिए कह रहे हैं कि वो तो सारा मसल है और उसके अंदर कोई बोन का एलिमेंट नहीं है। लिहाजा यहाँ पर दो किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, एक बोनी पार्ट की डेवलपमेंट हो रही है और एक सॉफ्ट पैलेट की डेवलपमेंट हो रही है। ये दोनों डेवलपमेंट चलती रहती हैं, ग्रोथ होती रहती है, यहाँ तक कि 10 to 12 वीक्स के दौरान गेस्टेशन के दौरान ये दोनों चीजें आपस में फ्यूज कर जाती हैं। और ये फ्यूजन इसलिए जरूरी है कि जब ये फ्यूजन हो जाती है तो ओरल चैम्बर्स जो हैं वो नेजल चैम्बर्स से अलहदा हो जाते हैं। रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस रिक्वायर्स द इंटैक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों चीजें यानी एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आप नॉर्मल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। अगेन नॉर्मल रेजोनेंस से क्या मुराद है, वो नॉर्मल परसेप्शन जो एक ऑर्डिनरी ईयर महसूस करता है एक लैंग्वेज के अंदर कि आवाज़, कुछ आवाज़ें नेजल हैं कुछ आवाज़ें ओरल हैं, तो ओरल और नेजल का ये जो परसेप्शन है इसको ओरल नेजल परसेप्शन कहेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मैटर करती है, उसके अंदर ये चंद चीज़ें जो कि मेंशन हैं, जैसे कि फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, आर्टिकुलेटर्स हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है और फेरिंजियल रीजन। ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये आपकी रेजोनेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकुलेटर्स का जिक्र करते हैं। अब आर्टिकुलेटर से क्या होगा जी, अगर जबान का साइज मोटा है तो रेजोनेंस मुख्तलिफ होगी, अगर दांत टूटे हुए हैं, दांत नहीं है या मिसिंग टीथ हैं, उसके अंदर भी आपकी जो रेजोनेंस है वो मुतासर होगी। हार्ड या सॉफ्ट पैलेट के अंदर कोई इशू है, यस देयर विल बी अ रेजोनेशन एलिमेंट। फेरिंग्स के अंदर कोई आउटग्रोथ है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि वाइब्रेट करता है, रेजोनेंस मुख्तलिफ होगी। सेम इज द केस विद फेशियल स्ट्रक्चर्स। फेशियल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, फेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका मैंडिबल है, आपका पैलेट कितना हाई है, आपकी जो डेंटल आर्च है वो कैसी है, नैरो है, क्या आपके जो मैगजिला और मैंडिबल सही तरीके से एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें मैटर करेंगी आपकी ओरल रेजोनेंस के अंदर। और बिल्कुल इसी तरीके से जब आप नाक पे जाते हैं, नेजल कैविटी की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या दोनों जो नॉस्टल्स हैं वो दोनों सिमेट्रिकल हैं, कोई डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम तो नहीं है, डीएनएस होगा, तब भी नेजल परसेप्शन या रेजोनेंस के अंदर फर्क आ जाएगा। सो दीज आर क्वाइट अ फ्यू स्ट्रक्चर्स जो आपको शेयर किए कि इस सूरत हाल में ऐसा हो सकता है कि रेजोनेशन की एक डिफरेंट परसेप्शन महसूस हो, लिहाजा ये चंद स्ट्रक्चर्स को फिर देखना और फिर इनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू असेसमेंट, कि हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को रूल आउट करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर डेविएंस आ रही है जिसकी वजह से एक डिफरेंट परसेप्शन ऑफ रेजोनेंस जो है वो महसूस हो रही है। हार्ड पैलेट के बारे में चंद बातें जान लेते हैं कि हार्ड पैलेट का जो इंटीरियर 2/3 है वो रूफ ऑफ द माउथ है। दिस इज व्हाट इज हार्ड पैलेट, मुंह का अंदरूनी 2/3 हिस्सा, दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट, इट इज बेसिकली हार्डर, इसलिए उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलहदा करता है, इसके अंदर 3 स्मॉल बोन्स हैं पेयर्स, उनके प्री मैगजिला है, पैलेटाइन है और पैलेटाइन प्रोसेसेस हैं। सो ये कुछ इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ऑफ द एम्ब्रियो। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये तीनों की जो ग्रोथ है
वो अगर अप्रोक्सीमेट होगी, एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, तो उनकी फ्यूजन भी अच्छी होगी। लेकिन इफ देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शन गोइंग ऑन, या वो फ्यूज ना कर सके विद द सॉफ्ट पैलेट, तो उसके नतीजे में एक गैप रह जाएगा, एंड दैट गैप इज बेसिकली क्लेफ्ट। उसी को क्लेफ्ट कहा जाता है। जो क्लेफ्ट उसी वक्त होगा जब एक फ्यूजन जो है वो कंप्लीट फ्यूजन नहीं होगी, पार्शियल हो सकती है, या उसके अंदर कोई सुराख जिसको के फिस्चूला कहा जाता है वो रह जाए, उसके नतीजे में आपकी जो रेजोनेंस की जो परसेप्शन है वो तब्दील हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। पोस्टीरियर 1/3 रूफ ऑफ द माउथ को आप सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको पहले बताया। सॉफ्ट पैलेट करता क्या है जी? सॉफ्ट पैलेट के दो काम हैं, एक तो ये ब्रीदिंग में काम करता है और एक स्पीच के दौरान काम करता है। व्हाइल वी आर ब्रीदिंग सॉफ्ट पैलेट इज लोअर्ड। जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उस वक्त सॉफ्ट पैलेट का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ हैंग करता है, और ये इस हैंगिंग के दौरान हवा को रास्ता देता है कि हवा जो है वो नाक से होती हुई टूवर्ड्स द लंग्स जो है वो चली जाए। लेकिन ड्यूरिंग स्पीच, स्पीच के दौरान अब इसका एक डेफिनेट रोल है, इसने डिसाइड करना होता है कि कौन सी आवाज ने नाक से जाना है और कब आवाज ने ओरल होना है। तो जैसे आप जानते हैं कॉन्सोनेंट्स ओरल भी होते हैं और नेजल भी होते हैं, और जो डिटरमिनिंग फैक्टर होता है इन तमाम के दौरान वो सॉफ्ट पैलेट का फैक्टर होता है। तो सॉफ्ट पैलेट अगर अच्छा काम करता है तो वो ओरल और नेजल साउंड्स के दरमियान एक मॉनिटर सिस्टम जो है वो अपना इस्टेब्लिश रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात सॉफ्ट पैलेट इतना अलर्ट नहीं होता, वीक होता है, शॉर्ट होता है, और उसके नतीजे में वो रेगुलेट नहीं कर सकता ओरल और नेजल साउंड्स को, लिहाजा हमें ज्यादातर आवाजें जो है वो नाक से आती हुई महसूस होती हैं। सो सॉफ्ट पैलेट का ये वाला जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द परसेप्शन ऑफ हाइपरनेजालिटी, हाइपर और हाइपोनेजालिटी। यहाँ पर एक और चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, तो जहां पर क्लेफ्ट एक रीजन थे हाइपरनेजालिटी के परसेप्शन के लिए या हाइपोनेजालिटी से लिंक्ड परसेप्शन के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉफ्ट पैलेट जो है वो भी डिटरमिनिंग फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि आवाज हाइपोनेजल क्यों है और हाइपरनेजल क्यों है। क्लेफ्ट की सूरत में तो एक ओपनिंग रह जाएगी और उसके नतीजे में एक स्केप जो है ओरल से नेजल की तरफ होता रहेगा, लेकिन सॉफ्ट पैलेट जो है अगर होगा और एफिशिएंट नहीं होगा और इफेक्टिव नहीं होगा तो वो फिर साउंड्स को इस तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। सो हमें दोनों के बारे में जानना जरूरी है। जहां पर आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की, बिल्कुल इस तरीके से उनकी फिजियोलॉजी भी जो है आपको जाननी है कि हार्ड पैलेट की फिजियोलॉजी क्या है और सॉफ्ट पैलेट आवाज को कैसे रेगुलेट करता है। इन तमाम चीजों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। क्लेफ्टिंग के कोई रीजन नहीं है, इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी क्रोमोसोमल, इट कैन बी एनवायरमेंटल, देयर आर मेनी एविडेंसेस जिसके जरिए हम इनको रिलेट कर सकते हैं जेनेटिक्स के साथ भी और एनवायरमेंट के साथ भी। सो ऑल आई मीन टू से इज कि क्लेफ्टिंग इज अ फिनोमेना जो कि इन तीन रीजंस की वजह से हो रहा है, और नेट अफेक्ट क्या होता है कि जो फ्यूजन होनी थी ओरल और नेजल ओरल कैविटी के अंदर हार्ड और सॉफ्ट पैलेट की, वो फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, या फिर सॉफ्ट पैलेट जो है वो छोटा रह जाएगा या हाई आर्ज हो जाएगा पैलेट। ये सारी चीजें हैं जो कि रेजोनेंस को डिटरमिन करती हैं और रेजोनेंस को अफेक्ट करेंगी। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट, वी कैन हैव अ वैरायटी ऑफ क्लेफ्ट्स, जैसे क्लेफ्ट ऑफ लिप हो सकता है, क्लेफ्ट ऑफ पैलेट हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट। सो अगर इसको देखा जाए तो प्राइमरीली हम लिप्स को यूनिलेटरल या बाइलेटरल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यूनिलेटरल क्लेफ्ट एक ऐसा क्लेफ्ट हो गया जो कि नॉस्ट्रल, एक नॉस्ट्रल उसमें इन्वॉल्व है और एक लिप इन्वॉल्व है ऊपर वाला, और बिल्कुल इसी तरीके से बाइलेटरल के अंदर दोनों साइड के जो अपर लिप्स हैं आपके वो इन्वॉल्व है और नॉस्ट्रल्स भी इन्वॉल्व हैं। सो लिहाजा एक तो ये कॉस्मेटिक वैल्यू से भी आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और दूसरा ये कि जब आपको खाने पीने का काम होगा, जब स्वॉलविंग होगी, जब माँ को फीड करना है, तो उस वक्त भी ये क्लेफ्ट लिप जो है वो आपको अफेक्ट कर सकता है। सो इट डिपेंड्स कि यूनिलेटरल है और बाइलेटरल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किस कदर कोई कंडीशन जो है वो उसको अफेक्ट कर पाएगी।
क्लेफ्ट ऑफ पैलेट के अंदर देखा जाए तो हमारे पास अगेन दो किस्म के क्लेफ्ट हैं, एक कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट है और एक खाली क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट है। सो कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट किसको कहते हैं कि ये एक ऐसा क्लेफ्ट है ओपनिंग थ्रू द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। सो इसमें हार्ड पैलेट के अंदर भी एक क्लेफ्ट रह जाएगा और सॉफ्ट पैलेट तक वो पहुंच जाएगा, लिहाजा ये एक कंप्लीट क्लेफ्ट हो गया, यानी कि आपका लिप भी इन्वॉल्व था, आपका हार्ड पैलेट भी इन्वॉल्व था और आपका सॉफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व था। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम खाली सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं तो ओपनिंग ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एक्सटेंडिंग थ्रू द यूविला, और बाज औकात जो है वो सॉफ्ट पैलेट सिर्फ इस कदर से मुतासर होता है यूविला जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। रिमेंबर यूविला क्या चीज थी, यूविला जो था वो बेसिकली एक हैंगिंग पोर्शन था आपके सॉफ्ट पैलेट का, जो कि मोबाइल होता है, मूव कर सकता है, अप्रोक्सीमेट कर सकता है ताकि ओरल और नेजल कैविटी से आने वाली आवाज़ों को वो रेगुलेट कर सके। बाज़ औक़ात क्लेफ्ट की मौजूदगी वहां पर है और उसके नतीजे में आवाज़ जो है वो हाइपरनेजालिटी की तरफ जा सकती है। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड सब म्यूकस क्लेफ्ट, क्लेफ्ट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि म्यूकोजल टिश्यू के नीचे जो है वो क्लेफ्ट होता है और देखने में तो ऐसे लग रहा होता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन जब आप टॉर्च की मदद से उसको देखते हैं तो आपको नजर आता है कि आपका पैलेट जो है वो ब्लूइश कलर का है, और वो ब्लू कलर सिर्फ इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वहां से जब लाइट पास थ्रू करती है तो वो चीज़ आपको ब्लैक और ब्लू नजर आना शुरू हो जाती है। लिहाजा ये जो ब्लूइश कलर है पैलेट का, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ सब म्यूकस क्लेफ्ट। और इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाइफिड यूविला की सूरत में है कि यूविला जो है वो बाइफिड हो जाता है, इट हैज़ गॉट टू हेड्स, यानी कि नॉर्मली तो यूविला का एक हेड हुआ करता है लेकिन बाइफिड यूविला के अंदर दो उसके हेड्स जो हैं वो डिटरमिन हो जाएंगे। अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि जब दो हेड्स हैं तो उसकी अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं हो सकेगी, उसका साइज में फ़र्क पड़ जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि उसकी जो फिजियोलॉजी है वो मुतासर हो रही। सो एनाटॉमिकली जब चेंज आई तो फिजियोलॉजी भी उसकी मुतासर हुई और उसके नतीजे में अब वो जो अप्रोक्सीमेशन का काम करता था वो नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकेगा। इंसिडेंस जो है इसका काफी सारा है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है मोर और लेस, 1 in 1000 बर्थ्स आप समझ लीजिए पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोपोर्शन है, और खवातीन में ये ज्यादा होता है इसीलिए इसको जेनेटिक से भी लिंक किया गया है। और क्लेफ्ट लिप विद और विदाउट क्लेफ्ट पैलेट अकर्स ट्वाइस एज ऑफन इन मेल, जबकि खाली क्लेफ्ट लिप का इंसिडेंस जो है वो मेल में ज्यादा है। अगर आप इसको और से समझें तो आपको नजर आएगा कि हालांकि क्लेफ्ट ऑफ लिप अगर अलोन हो तो उसका कॉस्मेटिक अफेक्ट तो है लेकिन उसका स्पीच पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लिप्स थे और लिप्स को बाद में सर्जिकली इंटरवीन करके लिप्स को हम कॉस्मेटिक वैल्यू देते चले जाते हैं, और लिप्स जो हैं वो और ख़ास तौर पे मेल्स के अंदर क्योंकि मस्टिशेस भी आ जाती हैं, मूछें आ जाएंगी तो उससे भी उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर क्लेफ्ट ऑफ पैलेट हो या सॉफ्ट पैलेट हो तो उस सूरत हाल के अंदर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एंड दैट विल बी रिलेटिंग टू द हाइपरनेजालिटी ऑफ वॉइस। सो वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका पर्सनैलिटी का। सो आपकी जो कॉस्मेटिक वैल्यू है वो बाज़ औक़ात सिवियरली डेंट हो जाती है अगर आपकी आवाज़ के अंदर नज़ालिटी का एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट पाया जाए। सो बिकॉज दिस इज वट वी आर अ कम्प्लेक्स ऑफ एबिलिटीज, और उसके अंदर हमारी कॉस्मेटिक वैल्यू भी है, हमारी आवाज़ भी है, हमारे यूज ऑफ वर्ड्स भी है, स्पीच के अंदर कमांड भी है, कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन भी है, ये सारी चीज़ें विच मेक अस एज अ यूनिक बीइंग। तो जब क्लेफ्ट मौजूद हो तो उस सूरत में ये चीज़ें कंप्रोमाइज हो सकती हैं जिनका के जिक्र हम आगे करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं वीलो फेरिंजियल इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी कहते हैं इनसफिशेंसी। सो इनसफिशेंसी से क्या मुराद है कि रेफर्स टू एबनॉर्मल वीलो फेरिंजियल फंक्शन, वीलम और फेरिंग्स का जो फंक्शन है वीलो फेरिंजियल, यानी कि वीलम जो था यानी सॉफ्ट पैलेट जो था वो रेज होता था और रेज होकर फेरिंग्स को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करता था जिसके नतीजे में आवाज़ें जो थी वो ओरल हो जाती थी। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि ये जो वीलो फेरिंजियल गैप है या वीलो फेरिंजियल पोर्ट है
वो साइज में बड़ा हो जाता है और विलम का साइज छोटा रहता है। सो बाज औकात विलम का साइज छोटे होने की वजह से वीलो फरिंजियल इनएडिक्वेसी हो जाती है और ये इनएडिक्वेसी फिर हाइपर नजालिटी की परसेप्शन को पैदा करती है। और बाज औकात ये इनएडिक्वेसी उसकी फिजियोलॉजी से लिंक्ड है। फिजियोलॉजी से कैसे लिंक्ड है कि जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर कुछ वीकनेस है, उसके उस मसल के अंदर कुछ स्ट्रेंथ की कमी हो गई है। अब स्ट्रेंथ की कमी हो जाए या साइज में वो श्रिंक कर जाए या वीलोफेरिंजियल पोर्ट बड़ा हो, ये तीनों ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहेंगे वीलोफेरिंजियल इनसफिशेंसी। और जब ये कंडीशंस होती हैं तो उसके नतीजे में हाइपर नेजालिटी की परसेप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट जो है वो फेरिंग्स के साथ मिलकर उस नेजल कैविटी को आइसोलेट नहीं कर पाता और आवाजें नाक से आती रहती हैं। आपकी ओरल साउंड्स भी आपके नाक से आएंगी तो फिर वो आपको एक डिफरेंट परसेप्शन जो है वो क्रिएट करेंगी। बाज़ औक़ात मल्टीपल कल्चरल ग्रुप्स के अंदर भी इसका इंसिडेंस पाया जाता है क्लेफ्ट के अंदर, लेकिन सिंस पाकिस्तान में मुझे ऐसी कोई स्टडी नजर नहीं आती, सो आई वुड इनकरेज कि हमें इस तरफ भी फोकस करना चाहिए कि कल्चरल बेसिस पे हम क्लेफ्ट को आइडेंटिफाई करें कि किस कल्चर के अंदर इस किस्म के जो इंसिडेंसेस हैं वो ज्यादा हैं। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट क्लेफ्ट कॉजेज इज द फीडिंग इश्यूज। रिमेंबर व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न, उसका प्राइमरी कंसर्न जो था वो फीड थी। फीडिंग वॉज द प्राइमरी एलिमेंट जो कि बच्चे को रिक्वायर थे, जहाँ पर वाइटल जैसे उसका हार्ट बीट हो गया, उसका रिस्पायरेशन इंपॉर्टेंट थी, उसका पल्स रेट इंपॉर्टेंट था, जहाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर ये भी जरूरी था कि उस बच्चे को उसकी बॉडीली नीड्स मीट करने के लिए उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन इस किस्म के कंडीशन में व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न विद क्लेफ्ट पैलेट, अनफॉर्चुनेटली द मदर रिसीव्स अ शॉक, और उसका ये शॉक जो है वो बाज़ औक़ात इट गिव्स राइज टू अनएक्सेप्टेंस, और माँ जो है इतनी जल्दी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, नंबर वन। नंबर टू, उसकी इस कॉस्मेटिक वैल्यू से उसके अपने कंसर्न्स रेज हो जाते हैं। नंबर थ्री जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट अस सपोज द मदर इज विलिंग टू फीड, लेकिन बच्चा जो है वो फीड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द क्लेफ्ट ऑफ लिप, क्योंकि वो क्लेफ्ट ऑफ लिप की वजह से वो अपनी माँ को उस तरीके से सक नहीं कर पाता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो जो क्लेफ्ट था, अगर पैलेटल क्लेफ्ट था, तो अब उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होता जिससे कि वो अपने माँ के निपल्स को स्क्वीज कर सके। सो स्क्वीजिंग ना करने की ये लिमिटेशन बच्चे को फीड करने में दुश्वारी पैदा करती है, और ये दुश्वारी जो है बेसिकली उसके न्यूट्रिशनल कंप्रोमाइजेस की तरफ उसको ले जाते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुअर ओरल सक्शन होगी, पुअर इनटेक ऑफ मिल्क होगा और नेजल रिगर्जिटेशन होगी। नेजल रिगर्जिटेशन से मुराद ये है कि जब आप कुछ स्वॉलो करते हैं तो आपके आपके सॉफ्ट पैलेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रेज हो जाता है ताकि फूड कॉन्टेंट्स जो है वो नाक के रास्ते वापस ना आ जाए। और अगर सॉफ्ट पैलेट इनसफिशेंट है, क्लेफ्ट है उसके अंदर, या इमोबिलिटी है उसके अंदर, तो उसके नतीजे में नेजल रीगर्जिटेट होने के चांसेस हैं, यानी कि जो भी आप स्वॉलो करेंगे वो कुछ तो चला जाएगा आपके फूड पाइप में और कुछ जो है वो नाक के जरिए वापस आ जाएगा। इट डिपेंड्स कि वो गैप जो है वो कितना बड़ा है या सॉफ्ट पैलेट की क्या सूरत हाल है। तो फीडिंग का एक इशू प्राइमरी इशू है जो छोटे बच्चों को आता है, और ना सिर्फ ये बल्कि एट टाइम्स ये जो बार बार रिगर्जिटेशन होती है तो फूड का या लिक्विड का कान में जाने का एलिमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। आपको पता है यूस्टेशियन ट्यूब जो थी वो आपके नेजोफेरिंक्स को नेजोफेरिंक्स को अटैच करती थी विद द मिडल ईयर, तो बाज़ औक़ात यहाँ से फूड कंटेंट्स जो है वो मिडल ईयर में चले जाते हैं और ये इस तरीके से इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाती हैं और बच्चा जो है वो टाइटस मीडिया का जो है वो शिकार हो सकता है, इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। तो फीडिंग इज द प्राइमरी एलिमेंट जो कि उस बच्चे के अंदर आपको नजर आ रहा है। सो इस फीडिंग की कमी की वजह से न्यूट्रिशन तो काम हो ही रही है और पुअर वेट गेन का एक एलिमेंट जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। सो अब आप ये देखें, ये एक विशियस सर्कल से बनता चला जा रहा है, कहाँ पर उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू भी खराब थी, उसके बाद वो फीड भी नहीं कर पा रहा, उसके बाद माँ जो थी वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी शिकार है, और नतीजा ये निकलेगा कि वो जो एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग थी फैमिली की और वो जो ओनरशिप थी, ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली
एट रिस्क चली जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं ये रिवर्सेबल है, हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। भाई क्लेफ्ट है ही सही, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, क्लेफ्ट ऑफ लिप का तो इतना इशू ही नहीं है, इवन यहाँ तक कि हम पैलेटल इशूज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एंड फाइनली जब एट ए लेटेस्ट स्टेज उसको स्पीच के इश्यूज होंगे, तो स्पीच के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कि हम उसकी स्पीच को एक नॉर्मल स्पीच के करीब तर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। उसके अलावा अब आपको याद रखना है कि फीडिंग के लिए, फीडिंग के इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसमें से एक ऑप्शन जो है वो ये है कि बच्चों को ऐसे पोजिशन किया जाए या मदर खुद से स्क्वीज करते रहे अपने निपल्स को ताकि बच्चे को सख्त ना करना पड़े। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि नाउ वी हैव गॉट सम स्पेशलाइज्ड बॉटल्स जिनको टीट्स कहा जाता है। ये टीट्स ऐसी फीडिंग बॉटल्स हैं जिसके अंदर बच्चे को सख्त करने के लिए इतना ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना पड़ता और दूध का एक कॉन्टिन्यूस फ्लो जो है वो जारी रहता है। उसके अलावा वी हैव गॉट डिफरेंट साइज ऑफ निपल्स इन द फीडर्स, सॉफ्ट भी हैं विद अ बिगर होल, हम उनके सुराख को बड़ा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर अवेलेबल हैं वन एवर देयर आर चांसेस कि हमारा बच्चा जो है उसको फीडिंग इनसफिशेंसी की वजह से कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। सो अब मैंने जैसे बताया कि हेयरिंग और क्लेफ्टिंग का बहुत आपस में एक ताल्लुक है। जब कभी भी क्लेफ्ट होगा उसके नतीजे में हेयरिंग अमूमन अफेक्ट हो सकती है, डेंटिंग होती है उसकी, और बाज़ औक़ात ये सेंसरी न्यूरल लॉसेस के साथ भी बच्चे पैदा होते हैं। जब इस किस्म की कंडीशन हो जाए तो इसको हम ट्रीचर्स कॉलन सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर न सिर्फ ये कि आपकी क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज हैं बल्कि यू आर बॉर्न विद सम सेंसरी न्यूरल डेफनेस एज वेल। सो ये ट्रीचर कॉलन सिंड्रोम होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया भी हो सकता है कि वन हाफ ऑफ द फेस is actually smaller in size as compared to the other, यानी कि symmetry नहीं रहता, आधा face और दूसरा आधा face के अंदर symmetry कम हो जाती है, ये भी हो सकता है। और ये भी इसी चीज़ की indication है कि ये एक syndromic element जो है वो आपके सामने आ रहा है। So hearing और clefting के दौरान एक और चीज़ भी आपने देखी, जैसे मैंने आपको बताया कंडक्टिव हेयरिंग लॉसेस की जो चांसेस हैं वो बढ़ गए जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर फीडिंग। और फीडिंग के इस तरीके से अफेक्ट होना और उसके बाद रीगर्जिटेट करना और उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब से मूव करना मिडिल ईयर की तरफ, ये सारी कंडक्टिव एलिमेंट्स को सपोर्ट करती हैं और बच्चे को कंडक्टिव डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस हो सकता है, जिसको कि आप ओटाइटिस मीडिया के तौर पर जानते हैं। और इसके अलावा जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब के डिसफंक्शंस भी आपको नजर आ सकते हैं। जैसे कि अभी बताया यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो उसके प्राइमरी तीन काम्स थे, तो मिडल ईयर को एयर प्रोवाइड करती थी, बैलेंस इक्वेट करती थी, और मिडल ईयर के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन या फ्लूइड्स वगैरह हो तो उनको ड्रेन कर देती थी नेसोफेरिंक्स के अंदर। सो यूस्टेशियन ट्यूब का अपना एक रोल था, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाएगी तो वो भी ब्लॉक हो सकती है, वो इन्फ्लेम्ड हो सकती है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासर हो सकती है, कान का मिडिल ईयर का प्रेशर बढ़ सकता है, जिसके नतीजे में अगेन कंडक्टिव एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं। सो एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें नज़र आती है कि चूँकि लेफ्ट जो है वो न सिर्फ ये कि लिप्स को अफेक्ट कर रहा था बल्कि साथ गम्स को भी अफेक्ट कर रहा था, सो मैग्जिला को भी अफेक्ट करता है। तो जब मैग्जिला अफेक्ट हो जाएगा, मैग्जिला मिसअलाइन हो जाएगा, तो उस पर निकलने वाले टीथ भी मिसअलाइन होंगे। सो ऐसा होता है कि बच्चों को डेंटिशन के प्रॉब्लम नजर आते हैं। सो डेंटिशन के ये प्रॉब्लम जो है अगेन डिपेंड करेगा किस टाइप का क्लेफ्ट है। सो मिसिंग टीथ हो सकते हैं, फ्यूज टीथ हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उसके बाइट के इश्यूज हों, मैंडिबल और मैग्जिला जो है उसके अंदर गैप हो बहुत ज्यादा और वो बच्चा बाइट ना कर सके। सो क्लेफ्ट देखें आप अकेला नहीं आ रहा, क्लेफ्ट आपके साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स को आपके साथ इन्वॉल्व करता जा रहा है, जैसे कि हमने कॉस्मेटिक्स का जिक्र किया, जैसे कि हमने टीथ का जिक्र किया, जैसे कि हमने स्वॉल्विंग का जिक्र किया या फीडिंग का जिक्र किया। सो ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चा, और अगेन लेटर जाके वो आपकी स्पीच को भी अफेक्ट करने वाला है, आपकी सोशल वैल्यूज, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस को चैलेंज करने वाला है। लिहाजा क्लेफ्ट इज नॉट दैट सिंपल।
So the earlier you get involved with the fixation of these things, the better it would be. और हमें उसकी इन तमाम एलिमेंट्स को तय बताए जो है वो एड्रेस करना होगा. फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको उसकी फीडिंग के इश्यूज इंप्रूव करने हैं, ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है पेरेंट्स को भी बच्चे को भी, और उसके बाद चलते चलते आप उसकी कॉस्मेटिक्स पे भी जाएंगे, उसकी स्पीच पे भी जाएंगे, उसकी सोशलाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे वगैरह वगैरह. सो ये एक हायरार्की है जिसका कि मैंने आपके साथ जिक्र किया, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हमारी रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकता है. सो आई कंक्लूड दिस लेक्चर हियर, और इफ यू हैव गॉट एनी क्यूरीज यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स और मैं उसको एड्रेस करूँगा. सो लेट्स मीट अगेन.